अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब सही सलामत है। तो आज आपके साथ जो रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है कश्मीरी मटन। ये कश्मीरी मटन बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही खुशबूदार बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसके लिए यहाँ पे मैंने 15 काजू लिया है और 2 टीस्पून खसखस लूँगी और 2 स्टिक्स दालचीनी ले रही हूँ और 3 लौंग ले रही हूँ मैं। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और 10 मिनट के लिए इसे मैं भिगो के रखूँगी। उसके बाद मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। और इधर मैं 6 यानी 6 कश्मीरी रेड चिली लिया है, इसे भी पेस्ट करना है बाद में। तो यहाँ पे आधा किलो मटन लिया है और इसमें मैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मिला लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक मिला लिया है और 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर मिला रही हूँ। और इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तकरीबन 20 मिनट तक इसे मैरिनेट करना है, क्योंकि हम इस मटन में पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी के इसे बनाएंगे तो इसे मैरिनेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो तकरीबन 20 मिनट तक इसे मैरिनेट करना है। तो 20 मिनट बाद मैं मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया है और यहाँ पे 3 प्याज लिया है, चॉप कर लिया है। तो अभी मैं चॉप प्याज डाल रही हूँ और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है तो अभी मैं इसमें कश्मीरी रेड चिली पेस्ट 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं, 2 टेबल चम्मच जो मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया था, और 1 टेबल चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 टीस्पून जीरा पाउडर मिला लिया है और इसे 1 मिनट तक फ्राई करना है। और 1 मिनट बाद मैं इसमें पेस्ट डाल रही हूँ जो मैंने काजू, खसखस, दालचीनी और लौंग का पेस्ट किया था वो मैंने डाल दिया है और इसे भी तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करना है, भूनना है। तो 1 मिनट बाद मैं अभी यहाँ पे 1 चॉप्ड टमेटो डाल रही हूँ और टमेटो डालने के बाद इसे तब तक भूनना है जब तक तेल ऊपर ना तैरने लगे और खुशबू ना निकले मसाले की, तब तक इसे भूनना है। तो मसाला भून चुका है, अभी मैं मैरिनेटेड मटन मिला रही हूँ इसके साथ। और मटन मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और ये देखिए 5 मिनट बाद मटन ने पानी छोड़ दिया है। तो अभी मैं इसे मिक्स करने के बाद 15 मिनट तक बिल्कुल लो हीट पर इसे प्रेशर कुकर पर पकाऊंगी और इसे बिल्कुल पानी नहीं मिलाना है। तो 15 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर पकाना है और जब अपने आप प्रेशर कुकर ठंडा हो जाए, भाप निकल जाए, तब से ढक्कन खोल रही हूँ मैं। तो ये देखिए मटन पक चुका है और इसका कलर भी कितना अच्छा हुआ है। तो अभी मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता मिला रही हूँ और धनिया पत्ता मिलाने के बाद ये कश्मीरी मटन बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही खुशबूदार बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएंगे। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।